कोर्ट ने भी हियरिंग के दौरान ये कहा कि वो प्रिंसिपल जिस पर जिम्मेदारी थी कि इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल किया जाए, वो अगर इस्तीफा देता है तो कुछ ही घंटों बाद उसका ट्रांसफर किसी और जगह क्यों कर दिया जाता है। अब प्रिंसिपल का क्या होगा, सरकार प्रिंसिपल का क्या करने की सोच रही है, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। हालांकि इस पर राज्य सरकार की तरफ से यानी कि जो कपिल सिब्बल कोर्ट में पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि जैसा कोर्ट कहेगा वैसा प्रिंसिपल के लिए किया जाएगा। संदीप घोष की हम बात कर रहे हैं जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, तो वो जितने पहलू जो इस पूरे केस से जुड़े हुए थे और जो नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही थी, आज सबका पटाक्षेप सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया है। अतुल, जो 7000 लोगों के घुसने की घटना थी आर्चिकल मेडिकल कॉलेज में, जिस तरीके से वहां पर लाठियां बांधी गई, जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, इसे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रुख को साफ कर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल सरकार ये सब कुछ हैंडल करने में नाकामयाब रही। देखिए, काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। सबसे पहले रविवार को सोमोटो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर लेता है, कल रक्षाबंधन था, आज मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 11 बजे शुरू होती है। जब सीजीआई इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई करने के लिए बैठते हैं तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स, खासतौर से जो महिला डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम बेहद चिंतित हैं और इसको लेकर हम ये पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इसी को लेकर हम इसमें आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। और ऐसा ही इस पूरी सुनवाई में देखने को भी मिला, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार किस तरीके से पूरी घटना हुई, डॉक्टर्स को लेकर काफी परेशान थे, महिला डॉक्टर्स को लेकर काफी परेशान थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके पास नहीं है, अस्पताल उनको खुद पहुंचना पड़ता है, अस्पताल के अंदर साफ सुथरे टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स पेशेंट के लिए भी वही है और इसके अलावा जो डॉक्टर्स है उनके लिए भी वही टॉयलेट्स है। ये तमाम तरीके की टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। और इसके अलावा डॉक्टर्स जो अस्पताल है उसके अंदर कैसे जो हुड़दंगी है वो घुस जाते हैं, 7000 लोग डंडे और रॉड्स के साथ अंदर घुसते हैं, तोड़फोड़ वहां पर करते हैं, उसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। इसके अलावा सीबीआई से पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आज मंगलवार है और वीरवार को इस पूरे मामले यानी कि 22 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, तो 22 तारीख को ही जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। इसके अलावा सीबीआई जो है वो अपनी स्टेटस रिपोर्ट, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन अब तक उसने इस पूरे मामले के अंदर की है, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर से सीबीआई को यह कहा कि वो सीधा अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे, परसों इस रिपोर्ट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले के अंदर वो अभी कहां तक पहुंची है। लेकिन डॉक्टर्स, जो महिला डॉक्टर्स हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज काफी चिंतित दिखा। किस तरीके से ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें ममता सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार है वो किसी भी तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे। और जो सीजीआई है उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के बाद जो देश की आत्मा है उसको झकझोर कर इस घटना ने रख दिया है, ये सीजीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का अंदाजा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर सुमोटो लिया है, काफी तल्ख टिप्पणियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएंगी, दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाएंगे। और अब टास्क फोर्स का गठन, जो कि जिसकी रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जानी है, पहले जो है वो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद पूरी रिपोर्ट जो है वो 3 महीने के अंदर इस पूरी नेशनल टास्क फोर्स को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। बिल्कुल, अहम टिप्पणियां तो आज की गई है, एक बार फिर से अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। महिलाएं वर्कप्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ जो एक बात परिवार वालों की तरफ से लगातार कही जा रही थी कि बेटी की डेड बॉडी देखने तक के लिए उन्हें 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा, तो ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइंडिंग में रखा है। ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि परिवार को बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई, देर शाम तक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, कॉलेज के प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड केस कैसे बता दिया, पीड़िता का नाम, फोटो, उसकी पहचान कैसे उजागर हो गई, महिलाएं वर्क प्लेस पर सेफ नहीं तो समानता का क्या मतलब है, ये सारी तीखी टिप्पणियां आज कोर्ट की तरफ से की गई हैं कोलकाता के इस रेप कांड को लेकर, इस मर्डर केस को लेकर।